आज हम जुड़ने जा रहे हैं रायपुर नगर निगम के शहीद चंद्रशेखर वार्ड के भाजपा पार्षद श्रीमती यशोदा कमल साहू जी के साथ। पहली बार पार्षद बनी यशोदा साहू की सक्रिय निरंतरता पर उनकी मौजूदगी में कमल साहू से बातचीत। स्वागत है दोनों का। सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपके 4.5 साल के कार्यकाल में आपकी वार्ड विकास में क्या क्या उपलब्धियाँ रही है? हमारे 4.5 साल के कार्यकाल में पहले तो लोग के लिए सोचे थे मूलभूत सुविधा, बिजली पानी, रोड इत्यादि सभी के लिए सोचे थे, और आज जो काम हुआ है, काम आज हमारे वार्ड में 40 करोड़ का काम हुआ है, जिसमें क्षेत्रफल अधिक होने से, क्षेत्रफल मतलब डूंडा बोरिया और मठ पूरेना, ग्रामीण विधानसभा और दक्षिण विधानसभा, जिसमें 40 करोड़ का काम हो चुका है, जिसमें आज भी वार्ड बड़ा होने के कारण से आज भी वहाँ विकास कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, जिसमें आज शासन प्रशासन से विकास कार्यों को लेकर नगरी प्रशासन मंत्री जोन 6 भाटा गांव में आज भी हमारी लेटर मौजूद है वहाँ एक एक विकास कार्यों का, जिसमें हमारे कार्यकाल में मठपुरी क्षेत्र दक्षिण विधानसभा, जिसमें शीतला मंदिर का सौंदर्यकरण, तालाब की सौंदर्यकरण, शीतला मंदिर के ठीक सामने 60 लाख का माननीय मंत्री जी बृजमोहन अग्रवाल जी के माध्यम से 60 लाख का भवन का निर्माण हो चुका है। शीतला मंदिर के ऊपर ज्योति कक्ष 10 लाख का निर्माण हो चुका है। ध्रुव समाज के भवन 15 लाख के निर्माण हो चुका है। ऐसे 40 लाख की सीसी रोड नाली पुलिया निर्माण का काम हो चुका है। 3 करोड़ का जो नाला अधूरा छूटा था अयोध्या नगर गोकुल नगर से होते होते हुए सिमरा सिटी का, जो काम अभी चल रहा है। ऐसे कई सारे मूलभूत सुविधा है, जिसमें रोड बिजली पानी उसका काम हो चुका है। यहाँ पाइपलाइन की बहुत सारी समस्या थी गोकुल नगर में, गोकुल नगर होते हुए चौरसिया कॉलोनी मठपुरी क्षेत्र में, जिसमें 3 करोड़ का भूमि पूजन करवा को काम को करवाए हैं। वार्ड का समीकरण देखो, हमारे वार्ड का समीकरण हुआ है, यहाँ 25,000 वोटरों का वार्ड है, जिसमें 25,000 वोटर है और 50,000 की जनसंख्या आबादी है, जिसमें क्षेत्रफल यहाँ से संतोषी नगर बाज़ार से डूंडा तक के सेज बाहर नाला तक के जाके ख़त्म होता है, उधर VY हॉस्पिटल से और इधर काटाठी मार्ग तक के जाके ख़त्म होता है, जिसमें परिसीमन किया है अधिकारी अपने बैठ के चुपचाप परिसीमन किया है, लेकिन वार्डों के पार्षद को भी पूछना था या बिठाना था साथ में, जैसे जैसे वार्ड को कटिंग किया है या परिसीमन को किया है, तो उसमें हम लोग का भी राय रहता है भाई, शासन प्रशासन ने अपनी सूझबूझ से जो मांगों को लेकर इस चीज़ की परिसीमन को कलेक्टर महोदय जी जो भी किया है, तो हमारा भी जनता से चुने हुए प्रत्याशी है तो हमारा भी नगर निगम का काम कर रहे हैं, नगर निगम का काम कर रहे हैं, जनताओं का काम कर रहे हैं, जनताओं को लेकर काम कर रहे हैं, तो हम लोग को भी अधिकारी को पूछना हम लोग का भी फर्ज था, हम लोग को भी साथ में बिठा कर परिसीमन का अवगत कराते। आज परिसीमन हुआ है, लेकिन आज जनता आज बार बार निवेदन आवेदन कर रहा है। अभी देखो कि 4.5 साल के कार्यकाल में 40 करोड़ का काम हो चुका है, जिसमें आज भी अधूरा है कार्य। आज जनता से अपेक्षा वही कर रहे हैं, आज जनता हमको आशीर्वाद फिर से देगी, तो आज उसकी सारी मूलभूत सुविधा जो बचा हुआ है उसको हम पूर्ण कराएंगे। और ऐसे हमारे पास कई सारे आवेदन आज भी उस जगह का, उस गली का, उस मोहल्ले का गया हुआ है, जो आज भी नगर निगम कर्मचारी आज अधिकारी लोग से बात करते हैं कि जिस क्षेत्र में अभी काम नहीं हो, हमारा विकास शुल्क इतना करोड़ मतलब 4 करोड़ पड़ा हुआ है, उसमें हमारे वार्ड का विकास करवा देते तो आज जनता आज त्राही त्राही नहीं होते, आज विकास के लिए बहुत खुश रहते हैं।